हाय, कसे आहात सगळे? सो टुडे वी गोइंग टू सी हाउ टू एक्सपोर्ट हाय क्वालिटी व्हिडिओज फॉर यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फॉर क्लायंट्स हू रिक्वायर टॉप क्वालिटी कॉन्टेंट. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, अगर आपको दाविंची रिजॉल्व सीखना है कि फुटेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं, देन प्लीज़ चेक माय दाविंची रिजॉल्व 18 फॉर बिगिनर्स वाला वीडियो. नाउ वंस यू डन विथ योर एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग, गो टू दिस पेज, कलर टैब, एंड यहाँ पे सारे प्रीसेट्स हैं लाइक यूट्यूब के लिए, वीमेओ के लिए, बट मैं हमेशा कस्टम एक्सपोर्ट ही यूज़ करता हूँ. यहाँ पे फाइल नेम है, लोकेशन जहाँ पे सेव करना है, सिंगल क्लिप. इंडिविजुअल क्लिप किया तो सारे ये वीडियोस जो है अलग अलग एक्सपोर्ट होंगे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सिंगल क्लिप. देन एक्सपोर्ट वीडियो फॉर्मेट में MP4 नहीं तो क्विक टाइम. मैं पहले MP4 यूज़ करता था बट अभी क्विक टाइम यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी बेटर क्वालिटी लगी क्विक टाइम में. उसके बाद कोडेक H.264 नहीं तो H.265. सी H.264 इज़ द ओल्डर कोडेक एंड इसमें फाइल साइज़ भी काफ़ी लार्ज होती है, बट इट हैज़ द मोस्ट कंपैटिबिलिटी. H.265 इज़ द न्यूअर वर्जन, बेटर क्वालिटी, बेटर कंप्रेशन एंड स्मॉल फाइल साइज़ एज कम्पेयर टू H.264. रिसेंटली मैंने जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो सारे H.265 में रेंडर किए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप H.265 यूज़ करो, बट अगर कुछ इशू आ रहा है तो शिफ्ट ऑन H.264. उसके बाद रिजोल्यूशन, ये लैंडस्केप मोड है 3840x2160. अगर आप रील के लिए करना चाहते हो या शॉर्ट्स के लिए करना चाहते हो तो इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा 2160x3840. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारे वीडियोस 4K में ही एक्सपोर्ट करो. मतलब अगर आपने शूट HD में किया है, एडिट HD में किया है, तब भी उसको अपस्केल करके एक्सपोर्ट इन 4K. उसके बाद फ्रेम रेट 24, जो भी आपका टाइमलाइन का फ्रेम रेट है. उसके बाद क्वालिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है. मैं यूजुअली 4K के लिए 80,000 टू 95,000 यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 85,000. एंड अगर आप HD एक्सपोर्ट कर रहे हो 1920x1080 तो यूज़ 35,000 टू 45,000. ओके, तो मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ 4K बिकॉज मेरा टाइमलाइन 4K है एंड इसको करता हूँ 85,000. उसके बाद एनकोडिंग प्रोफाइल में बाकी सब वैसा ही. यहाँ पे रेट कंट्रोल वेरिएबल बिटरेट से मैं करता हूँ कांस्टेंट बिटरेट. वेरिएबल बिटरेट मतलब किसी शॉट को अगर ज़्यादा बिटरेट लग रहा है तो वो वहाँ पे ज़्यादा बिटरेट देगा, किसी शॉट को कम दे रहा है तो वहाँ पे कम देगा. बट कांस्टेंट बिटरेट में क्या होता है, सबको एक जैसा ही बिटरेट मिलता है. सो आई ऑलवेज यूज़ कांस्टेंट बिटरेट. उसके बाद प्रीसेट मीडियम, हाई क्वालिटी एज इज़. देन यहाँ पे कलर स्पेस टैग. अगर आपका कलर स्पेस यहाँ पे कलर मैनेजमेंट में रेक 79 गैमा 2.4 एंड आउटपुट स्पेस भी सेम है तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़ आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो लाइक रेक 709 एंड यहाँ पे गैमा 2.4. ओके, उसके बाद फोर्स साइजिंग टू हाईएस्ट क्वालिटी, ये ऑलवेज़ ऑन रखिए. एंड उसके बाद ऑडियो AAC, आई यूज़ लीनियर MPC. मैंने दोनों ट्राई किए बट मुझे लीनियर MPC थोड़ा बेटर लगा. ओके, तो ये है हमारा ओवरऑल सेटिंग. क्विक टाइम H.264, बिट रेट 85,000, कॉन्स्टेंट बिट रेट एंड फोर्स साइजिंग टू हाईएस्ट क्वालिटी. इसको आप एज अ प्रीसेट भी सेव कर सकते हो यहाँ से लाइक सेव एज न्यू प्रीसेट यूट्यूब H.265 समथिंग. ओके, then add to render queue and hit render all. So thank you for watching. I hope you learned some stuff. Bye bye, take care, and I'll see you in the next one.